आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप जियो से इमरजेंसी डाटा लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आपके जियो सिम में बैलेंस नहीं रहता है एक रुपए का भी, अभी आप जियो से 5 GB तक डाटा लोन ले सकते हैं। यहां पर आपको 1-1 GB करके वाउचर मिलता है और उस वाउचर को आपको रिडीम करना होता है। ये आपको फ्री में मिलता है, लेकिन इसका आपको चार्ज पे करना पड़ता है। आपको 1-1 GB का मिलेगा, 1 GB का अगर आपने वाउचर रिडीम किया तो आपको 11 रुपए का बैलेंस पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा होता है कि माई जियो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होता है, माई जियो से ये पूरा प्रोसेस होता है। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप माई जियो एप्लीकेशन से इमरजेंसी डाटा लोन कैसे ले सकते हैं और कैसे इसे आप रिडीम करेंगे और क्या इसकी वैलिडिटी होती है, कैसे आपको यूज करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। सो गाइज, मैं हूँ नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जियो में इमरजेंसी डाटा लोन लेने के लिए आपको माई जियो का मोबाइल ऐप ओपन करना है। माई जियो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके इसे आप ओपन करेंगे, इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5 GB 5 GB तक आपको फ्री में यहाँ पर डाटा लोन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 लाइन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यू सर्विस यहाँ पर ऐड की गई है, इमरजेंसी डाटा लोन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहीं से आप इमरजेंसी डाटा लोन ले सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं रहता है तब भी आप यहाँ पर डाटा लोन ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लो डाटा है तो 1 GB इमरजेंसी डाटा लोन आपको मिलेगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे रिचार्ज नाउ पे लेटर, आप यहाँ पर अभी रिचार्ज करेंगे और बाद में आप इसको पे करेंगे। इमरजेंसी जो डाटा लोन मिलेगा तो 1 GB का आपको वाउचर मिलेगा, 1 GB का वाउचर आप रिडीम करेंगे तो उसका चार्ज आपको 11 रुपये प्लान के हिसाब से पेड करना पड़ेगा। और यहाँ पर 5 वाउचर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, रिचार्ज नाउ पे लेटर इमरजेंसी डाटा लोन। यहाँ पर नो मोर पर क्लिक करके यहाँ पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर इमरजेंसी डाटा लोन क्या है, इसकी क्या फैसिलिटी वगैरह मिलेगी, किसकी क्या पॉलिसी वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे OTP बेस्ड रहेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 GB का आपका वाउचर रहेगा, 5 वाउचर आपको मिलेंगे 5 क्वांटिटी का, और पर वाउचर आपका 11 रुपये का प्राइस होगा। यहाँ पर आपको रिचार्ज की हिस्ट्री मिल जाएगी, पेमेंट की हिस्ट्री। जैसे मैं यहाँ पर एक वाउचर आपको रिडीम करके दिखा देता हूँ कि कोई आपको 1 GB का डाटा लोन चाहिए। यहाँ पर कोई भी आपको वाउचर रिडीम करने के लिए यानी 1 GB का डाटा बैलेंस लोन लेने के लिए गेट इमरजेंसी डाटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर डाटा का बेनिफिट और वैलिडिटी। यहाँ पर वैलिडिटी बताया टिल एक्टिव प्लान, जो भी आपके प्लान की वैलिडिटी रहेगी, मान लीजिए 1 अगस्त 2 महीने की प्लान की वैलिडिटी है या फिर 1 महीने की 3 महीने की, तो उस प्लान तक आपका ये भी डाटा प्लान चलेगा। तो यहाँ पर एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इमरजेंसी डाटा लोन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस ID मिल जाएगा, वैलिडेशन आपको मिल जाएगा, जियो नंबर, डाटा बेनिफिट, यहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हैं। पर जो आपका 11 रुपये में 1 GB का डाटा बैलेंस मिलता है, जो प्लान होता है आपके मोबाइल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैसेज भी रिसीव होगा, देख सकते हैं कि आपके जियो नंबर पर 11 रुपये का रिचार्ज सफलतापूर्वक कर दिया गया है। नीचे यहाँ पर आपको रिचार्ज का, यहाँ पर सक्सेसफुल का आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से किया जाता है, आपको इसको पेड भी करना पड़ता है। तो यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, इमरजेंसी डाटा लोन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे, इमरजेंसी डाटा लोन पेज पर आ जाएंगे। देख सकते हैं अवेलेबल यहाँ पर क्वान्टिटी आपकी 4 आ गई है। मैंने यहाँ पर 1 वाउचर रिडीम कर लिया और 11 रुपये यहाँ पर इसका प्राइस होता है। तो यहाँ पर अमाउंट जो आपका ड्यू है इसको अगर आपको पेड करना है, यहाँ पर 5 वाउचर आ जाएगा, तो क्लियर ड्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पर 11 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो जो भी आपका यहाँ पर 11 रुपये का पेमेंट होगा और 1 वाउचर का, तो वहाँ पर वो 5 वाउचर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करूंगा। नेट बैंकिंग में कौन सा आपका बैंक है, यहाँ पर बैंक आप सेलेक्ट करेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे और भी बैंक आप मिल जाएंगे, और जो भी बैंक आप सेलेक्ट करेंगे उस बैंक के आप नेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। अगेन आपके सामने कंफर्म आएगा, कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कंफर्म कर देना है, तो आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट आपका सक्सेसफुल का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे, इमरजेंसी डाटा लोन पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर जो भी आपका डाटा लोन का वाउचर था वो रिडीम हो जाएगा और जो भी उसका पेमेंट था हो जाएगा। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि अवेलेबल यहाँ पर क्वांटिटी आपको 5 मिल गई है। अगेन आपने ₹11 का पेमेंट कर दिया, तो जितना भी आप यहाँ पर वाउचर रिडीम करेंगे, जितना भी डाटा लोन लेंगे, उसका आपको ₹11 का पेमेंट करना होता है। जब भी आप नेक्स्ट रिचार्ज कराएंगे उस टाइम पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं साथ में, या फिर अभी पेमेंट कर सकते हैं। जब तक ये इमरजेंसी डाटा लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो जो आपका अनलिमिटेड का रिचार्ज होता है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ रिचार्ज हिस्ट्री पर क्लिक करके यहाँ से आप रिचार्ज की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके यहाँ से पेमेंट की आप रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जियो में इमरजेंसी डाटा लोन ले सकते हैं। आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं रहेगा तब भी आपको ये लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं नीले09। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए, टेक केयर।